पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी अपने नए सदस्यता अभियान के साथ तकरीबन 10 करोड़ नए सदस्य जोड़ेगी। पूरे भारत में इस अभियान ने तेजी पकड़ ली है। जगत प्रकाश नड्डा प्रधानमंत्री मोदी को सदस्यता दिलाएंगे तो मध्य प्रदेश में बीडी शर्मा मुख्यमंत्री मोहन यादव को सदस्यता दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि पुराने सदस्यों का नवीनीकरण तो होगा ही, साथ ही मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ नए सदस्य भी बनाए जाएंगे। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्यता अभियान में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। लोगों को ऑफलाइन तरीके से भी पार्टी से जोड़ा जाएगा, लेकिन मुख्य फोकस ऑनलाइन तरीके पर ही रहेगा। बीडी शर्मा ने सोमवार को भोपाल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा के सदस्यता अभियान की जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी का देश के अंदर संगठन का पर्व आज से प्रारंभ हो रहा है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज शाम को 5 बजे भारतीय जनता पार्टी के दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सम्मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जेपी नड्डा जी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सदस्यता दिलाएंगे और इस अवसर पर पूरे देश के अंदर लाखों लोग भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सदस्य बनेंगे। और आज से ही जिन माध्यमों से भारतीय जनता पार्टी का संगठन का पर्व सदस्यता का अभियान प्रारंभ होगा, वो मिस कॉल नंबर 8800002024 की शुरुआत, पहला मिस कॉल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में होगा और इसके आधार पर हम QR कोड के माध्यम से भी सदस्यता करेंगे, नमो ऐप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल वेबसाइट उसके माध्यम से भी हम सदस्यता करेंगे और साथ में ही जहां पर नेटवर्क नहीं है वहां प्रत्यक्ष सदस्यता के फॉर्म ए के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी के इस महापर्व में सदस्यता के अभियान में आज से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद कल हम 2 बजे मैं मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को सदस्यता दिलाऊंगा, साथ में ही पूरी कैबिनेट भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सभी लोग सदस्यता ग्रहण करेंगे। और आज का हमारा जो पर्व है, पूरा देश, पूरा मध्य प्रदेश उमंग और उत्साह के साथ इसी कार्यालय के अंदर हम सब लाइव प्रसारण के साथ प्रधानमंत्री जी के पहला सदस्य बनने पर हम जश्न तो मनाएंगे ही, हर हमारे पदाधिकारी उनका प्रयास होगा कि आज ही कम से कम 100 सदस्य नए हम सब मिलकर के अपने अपने उसके अंतर्गत बनाएंगे। तो इसलिए लाखों लोग आज सदस्यता ग्रहण करेंगे, देश के अंदर 10 करोड़ नए सदस्य भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास हम सब लोगों का है, साथ में ही मध्य प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ लोगों को नया सदस्य बनाने का टारगेट भारतीय जनता पार्टी का है और 41 लाख कार्यकर्ता जो डिजिटली इनरोल्ड मध्य प्रदेश के अंदर है, जो भाजपा की ताकत है, ये एक्टिवेट होकर के 64,871 बूथों पर ये कार्यकर्ता अपनी भूमिका आज से निभाना प्रारंभ करेगा और 10 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक हर बूथ पर सदस्यता सहायकों से लेकर के पूरी बूथ की टीम हमारी, जिसके लगातार कार्यशालाएं भी लगभग संपन्न हुई हैं, हम रोज मॉनिटरिंग करते हैं। तो इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर भी सदस्यता का ही इतिहास बनेगा और इसलिए भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि केवल चुनावों तक सीमित नहीं,
एक जीवंत ऑर्गेनाइजेशन है, एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कार्यकर्ता आधारित संगठन होने के नाते से भारतीय जनता पार्टी में पुनः करोड़ों करोड़ मतदाता समर्थक, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी सदस्यता हम इस अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर के करेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि राष्ट्रीय एकात्मता, लोकतंत्र, गांधीवादी दृष्टिकोण को मजबूती के लिए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर भारत की विकास यात्रा में सभी लोग सहभागी बनेंगे। मैं आज सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की सदस्यता ग्रहण करते समय और उसके बाद कल मुख्यमंत्री लेंगे, फिर जिलों में जाएंगे और उसके बाद प्रत्येक बूथ पर संगठन पर्व ऐतिहासिक बनेगा मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। यही आज के दिन सभी कार्यकर्ताओं से मैं आह्वान करता हूं।